हेलो दोस्तों, आप सभी लोग नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट और मैसेज में स्वागत है। मैं आप सतीश मिश्रा है। देखिए, इंग्लैंड वैसे न्यूजीलैंड के जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा वो हेंडिंग्ले में खेला जाएगा, लीड्स में खेला जाएगा। और देखिए, ऑलरेडी इंग्लैंड जो टीम है 2-0 से आगे हुए और दोनों मुकाबले जीत कर ये सीरीज कब्जा बना लिया है ऑलरेडी। लेकिन मतलब कि अगर हम बात करें इंग्लैंड की बात करें तो दोनों मुकाबले उन्होंने चेस करते जीता है, बहुत बड़ी बात। टेस्ट में आप चौथे पांचवें दिन चेस करके अगर मुकाबला जीतते हैं तो अपने आप में दर्शाता कि आपकी टीम का करेक्टर क्या है और टीम का मोराल क्या है और टीम का मोटिवेशन लेवल कितना हाई है। देखिए, वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी बात अगर 200, 250 या 300 करीब अगर रन चेस करवा देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि बॉलिंग पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, वही कैप्टेंसी पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है उससे। क्योंकि देखिए, सेकंड टेस्ट मैच में केन विलियमसन अवेलेबल नहीं थे, टॉम लेथम कप्तानी कर रहे थे और देखिए कप्तानी थोड़ी खराब मुझे लगी। क्योंकि देखिए, आखिरी दिन करीब 290 प्लस रन, करीब 300 के करीब रन चाहिए था और बेन स्टोक ने जो पारी खेली 137 रन करीब और शानदार 7 छक्के लगाए, वहीं वहीं आपके स्टोक ने भी करीब 75 रन बनाए और कब 13 रन बनाए, दोनों ने मार मार के खेला, डोमिनेट तरीके से मैच को फिनिश किया। तो ये देखिए, बॉलिंग भी खराब हुई क्योंकि लास्ट मुकाबला आपको पता है सेकंड मुकाबले में जेविसन को लास्ट बॉलिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको चोट लग गई थी, कुछ इंजरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी बोल्ड थे, सऊदी थे, मैट हेनरी थे, इनके होने के बावजूद भी आपको 300 रन चेस करा दिया और इतनी मार वाली चेस ये थी। क्योंकि देखिए, जिस तरह मतलब कि उन्होंने रुक के नहीं खेला, उन्होंने समय भी कम था, ओवर भी कम थे और उनको पता था कि अगर रुक के खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, अटैक करेंगे तो बॉलर भी दबाव पाएंगे। कमाल की बैटिंग की है जॉनी बेस्टो ने और मुझे लगता है कि अपनी कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेल गए जॉनी बेस्टो। वहीं हम बात करें बेन स्टोक, इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिंगल हैंडली मैच जीता चुके हैं बेन स्टोक। और देखिए, जब से कप्तानी मिली है एक नया एरा स्टार्ट हुआ है और देखिए ब्रेंडन मैकलम उनके कोच बने हुए, तब से एक अलग टीम लग रही। क्यों, जो रूट की जो टीम थी कप्तानी जब थी उस समय तो ऐसा लगता था कि बहुत बुझी बहुत थोड़ा डाउन लगती थी टीम। देखियो, अब वही टीम देखिए कितनी खतरनाक लग रही है। क्यों, अभी देखिए इंडिया से भी मैच मुकाबला होगा तो वहां पर थोड़ा सा लगता कि इंग्लैंड काफी हाई होगा, काफी तगड़ा होगा इंग्लैंड। वही हम बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे आप लोग से कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दो टीम होगा क्या, मतलब कि तीसरे मुकाबले में क्या न्यूजीलैंड की टीम कमबैक कर सकती है, क्या केन विलियमसन के आने से कुछ मजबूत टीम हो सकती है, तो तमाम चीजों बात करेंगे। देखिए, पहले हम टीम डिस्कस कर लेते हैं, टीम क्या हो सकती है। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। एलेक्स लीस हो गए, जैक क्रॉली हो गए, ओली पॉप हो गए, रूट हो गया, बेस्ट्रो हो गया और बेन स्टोक हो गए, फोक्स हो गए, मैटी पोर्ट्स हो गए, जैक लीच हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए और जेम्स एडरसन हो गए। ये हमारी टीम हो गई इंग्लैंड की। वहीं हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो टॉम लेथम हो गए, बिलियांग हो गए, कॉनवे हो गए और हेडली निकल्स हो गए, विलियमसन हो गया, डेरिल मिचल हो गया, टॉम ब्लंडल हो गया, जेमिसन हो गया, साउदी हो गए, मैट हेनरी हो गया, बोल्ट हो गए। ये हमारी टीम हो गई, दोनों टीमों की टीम हो गई। देखिए, अब हम बात करते हैं केन विलियम्स। केन विलियम्स लास्ट मुकाबले में नहीं खेल पाए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पा गए थे और चार पांच दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन किया गया था जिसकी वजह से मुकाबला नहीं खेल पाए थे। देखिए, केन विलियम्सन भी आउटसाइड जितने भी मैचेस खेलते हैं आउटसाइड अपने होम से अवे जो मैच खेले उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हाई नहीं टेस्ट में। शतक बहुत साल पहले शतक लगाए थे, 2015 के शतक बाद उसका परफॉर्मेंस दिखी नहीं। होम पे इंग्लैंड में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, उनकी एवरेज बहुत जबरदस्त, शतक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे अवे सीरीज आती है उतनी जो परफॉर्मेंस केन विलियम्सन की है नहीं। वहीं हम बात करते हैं और ऊपर से भी टॉम लेथम उतना स्टार्ट नहीं दे पा रहे, बिलियांग भी एक ही पारी अच्छी खेल चुके हैं, डेविड कॉर्नर अच्छी बॉलिंग खेला है, सबसे अच्छी बैटिंग किन न्यूजीलैंड की तरफ से किया है तो देखिए डेल मिचल हो गया, टॉम ब्लंडल। डेल मिचल ने तो मतलब कि कमाल की बैटिंग की, वो हाई लेवल की बैटिंग किया है क्योंकि 200 जितने भी मैच खेला कमाल की पारी खेला है और उसको आउट करना एक बहुत बड़ा एक मतलब कि रहस्य बन गया, एक स्टोरी बन गई कि कैसे उसको आउट किया जाए। टॉम ब्लंडल जो विकेट कीपर है, बहुत अच्छी बैटिंग किया उसने। तो देखिए, अगर तीसरे मुकाबले में यहां पे जीतना बहुत जरूरी न्यूजीलैंड के लिए, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ी हार होगी है न्यूजीलैंड की टीम की। और ऑलरेडी मतलब हमको लगता है जो टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन चल रहा है टेस्ट का,
उसमें मतलब बार हो चुकी है क्योंकि इंडिया पे हार चुकी है और घर में जो जीतेगी हो घर में तो बहुत मुश्किल उसको हराना है। और वहीं इंग्लैंड में तो मतलब कि मुझे लगता है कि ये भी मुकाबला मुझे लगता है कि अगर मैं प्रेडिक्शन में दूंगा तो ये मुकाबला मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।